दो फ्रेंड एक दूसरे के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं, क्या ऐसी रिलेशनशिप टिक पाएगी? आगे क्या होगा? ये हम आज की मूवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये 2011 की रोमांटिक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर डीलन को देख सकते हैं। डीलन एक ब्लॉगर था और उसकी एक कंपनी भी थी। वो अपनी काम की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाता। एक दिन जब वो मूवी देखने के लिए जाने वाले थे, इस बार भी डीलन बहुत ही लेट हो गया। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। कहती है, तुम हमेशा अपने काम पर ही ध्यान देते हो, मुझ पे तुम्हारा कभी भी फोकस नहीं होता। इसी के पैरेलल में हम हमारी एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है जेमी। जेमी के बॉयफ्रेंड ने भी आज उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, कहा कि तुम बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल हो। एक्चुअल में जेमी ये रोमांटिक मूवीज देखती है। उसे हमेशा लगता है उसे बचाने वाला प्रिंस चार्मिंग आने वाला है, उसके लिए सिंग करेगा, उसके लिए डांस करेगा। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट लेती है, और एक कमिटमेंट करने वाला अब तक जेमी को कोई मिला नहीं है। लेकिन दोनों की ब्रेकअप के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुके थे। डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अब कभी भी डेट नहीं करेंगे। एक्चुअल में जेमी न्यूयॉर्क रहती है और डीलन एले में। इसके बाद तुरंत हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डीलन न्यूयॉर्क आ रहा था। उसे एक अच्छी जॉब की ऑफर आई थी और ऑफर जेमी की वजह से ही आई है। एक्चुअल में जेमी की फ्रीलांस कंसल्टेंसी है। जेमी की कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, इनका कॉन्टेक्ट वो उन्हें दे देती है। इसी वजह से जेमी ने डीलन को कॉन्टेक्ट किया था। अब जॉब इंटरव्यू देने के लिए डीलन न्यूयॉर्क पहुंचा। जेमी वहां उसका वेलकम करने के लिए आई। जेमी को लगता है अब डीलन GQ मैगजीन में काम करने के लिए मिलेगा, वो उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट डीलन को इसका सीरियसनेस नहीं था। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी और एले भी उसे पसंद था। जेमी ने कहा, न्यूयॉर्क बेस्ट है, तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटियां कभी भी नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी कंपनी में काम करना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डीलन इंटरव्यू दे के आता है और उसे जॉब मिल भी जाता है, पर अभी भी उसे न्यूयॉर्क में रहना है या नहीं इसे लेके वो श्योर नहीं था। जेमी ने कहा, मैं तुम्हें दिखा के रहूंगी कि न्यूयॉर्क कितना बेस्ट है। वो फिर उसे ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक बार में लेके आई। यहाँ पे डीलन फिर एक सेलिब्रिटी से भी मिलता है, पर वो उसे इतना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो उसे एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग के ऊपर लेके आई। जेमी ने कहा, मैं जब भी अपसेट होती हूँ तो हमेशा यहीं पर आती हूँ। ये उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस था। डीलन को भी बहुत ही अच्छा लगता है। डीलन के फादर भी बहुत बड़े राइटर थे, ये बात जेमी को पता थी। तो जेमी ने पूछा, तुम यहाँ पर जॉब ले रहे हो, इसके बारे में तुम्हारे फादर क्या कहेंगे? डीलन कहता है, मैं हमेशा लाइफ में जो भी करूँ वो अच्छा ही करूँगा, ये मेरे फादर को हमेशा ही लगता था, वो मुझ पर प्राउड होते हैं। इसके बाद जेमी डीलन को टाइम स्क्वायर में लेके आई। वहाँ पर सब लोग एक सिंक में डांस कर रहे होते हैं। जेमी ने कहा, इतनी बड़ी सिटी में किसी को अकेला ना लगे, तो इसलिए सब मिलके यहाँ पर डांस करते हैं। उन्हें लगता है किसी चीज का वो पार्ट है। ये सारी चीजें देख के डीलन ने भी डिसाइड कर लिया कि वो न्यूयॉर्क में रहेगा। डीलन ने फिर अपना जॉब ज्वाइन किया। सबके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली था। उसका एक नया फ्रेंड बनता है जिसका नाम है टॉम। डीलन के ऑफिस में जॉब कट कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए जेमी आई हुई थी। एक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, पर वो भी डीलन छोड़कर जा सकता है। पर जेमी कहती है, ऐसा करना मत, अगर तुम छोड़कर चले गए तो मुझे कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। बात करते करते डीलन जेमी से पूछ लेता है, क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? जेमी को लगा कि डीलन उसे डेट पर पूछ रहा है। जेमी कहती है कि पूरी सिटी में मैं ही तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और अगर हम लोग डेट करेंगे तो सब कुछ बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। डीलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड तुम्हें पूछ रहा था। इसके बाद फिर ये दोनों लंच पर आए। बातें करते करते फिर ये दोनों अपने प्रीवियस ब्रेकअप के बारे में बात करने लगते हैं। उनके एक्स पार्टनर को उनके बारे में क्या लगता था, ये सारी चीजें उन दोनों ने एक दूसरे को बता दी। ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट रहते हैं, इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो जाती है। जेमी ने कहा, कल रात मेरे घर पर पार्टी है जहाँ पर तुम और भी फ्रेंड्स बना सकते हो। डीलन भी इस पार्टी में पहुंच गया, बहुत सारे मजे करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने लग गए थे। एक रात डीलन जेमी के घर पर मूवी देख रहा था। जैसे कि हमें पता है, जेमी को रोमांटिक मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। डीलन कहता है, सारी मूवी एक ही टाइप की होती है, इन मूवी में रिलेशनशिप के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, किसी से प्यार करना है इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। जेमी भी इस बात से एग्री करती है। वो कहती है, आदमी की फिजिकल नीड्स होती है, उसे कम्प्लीट करने के लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए। डीलन कहता है कि जैसे कि हम किसी के साथ टेनिस खेलते हैं, उसी तरह से ये भी चीजें होनी चाहिए। दोनों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो डीलन जेमी से पूछता है, क्या तुम्हें टेनिस खेलना है? इसका मतलब है बिना किसी कमिटमेंट के साथ। डीलन उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहता था। जेमी कहती है कि ऐसा कैसे, क्या हम एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी है? ये दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया और रियलाइज किया कि ये दोनों अट्रैक्टिव है, और इसके बाद इन दोनों इंटीमेट हो गए। इन दोनों ने कसम ली थी कि इन दोनों की रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल रहेगी, कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस रात के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों के बीच कुछ ऑकवर्डनेस था, तो एक दिन जेमी ही डीलन के ऑफिस में आके दोनों ने इस इशू पे बात की। उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वजह से इन दोनों के रिलेशन में ऑकवर्डनेस आ गई है। डिसाइड
डिसाइड करते हैं कि ऐसा फिर से कुछ भी नहीं करेंगे, पर एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए और फिर से फिजिकल हो गए। एक दिन जब ये साथ थे तब अचानक से जेमी की मदर आ जाती है। जेमी ने मदर को सिचुएशन समझाई और मदर को ये बात अच्छी लगी। एक्चुअल में जेमी की मदर ने भी कभी कमिटमेंट नहीं की थी, उसका डिवोर्स होने के बाद वो कभी सेटल नहीं हुई थी, एक जगह पर वो टिकती भी नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डीलन और टॉम जब हैंग आउट कर रहे थे, तब डीलन ने जब उसे जेमी के बारे में बताया तो टॉम कहता है कि तुम्हारी रिलेशन कभी भी वर्क नहीं करेगी, लड़कियों का इन सब चीजों को देखने का नजरिया बहुत ही ज्यादा अलग होता है, वो तुमसे कुछ भी कहे पर वो कुछ अलग चीज ही चाहती होगी। अब जरा टाइम गुजर चुका था, एक दिन जेमी रियलाइज करती है उसे फिर से डेट पर जाना है, वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी। डीलन कहता है कि ठीक है, ये अरेंजमेंट तोड़ने के लिए वो रेडी था। इसके बाद वो दोनों पार्क में आए और उसने कहा कि मैं वो लड़की को डेट कर सकता हूँ। वहीं पर जाके उसने डायरेक्टली उससे बात कर ली। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का हस्बैंड और किड्स भी है। जेमी उस पर बहुत हंसती है। उसने भी पार्क में एक और लड़के को नोटिस किया। इस बार जेमी ने जाके उसे अप्रोच किया, वो एक डॉक्टर था और जेमी उसके साथ डेट पर जाने वाली थी। वो दोनों फर्स्ट डेट पर गए, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। डॉक्टर का नाम था पार्कर और पार्कर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था, और जेमी कहती है कि मेरा एक रूल है, 5 डेट तक मैं किसी को भी घर पर नहीं ले जाती। उसने उसे बताया, मैंने इमेजिन किया है कि मेरे भी लाइफ में मूवी जैसा एक हीरो आएगा, मेरा एक प्रिंस चार्मिंग। अब जब जेमी और पार्कर डेट करने लग गए थे तो डीलन को जरा अकेला महसूस होता है, वो उसे मिस करता है। उसने दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने का ट्राई किया पर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और पार्कर की 5 डेट कंप्लीट हो गई थी, ये दोनों फिजिकल होते हैं। जेमी अगली सुबह उठी और डोनट्स लेने के लिए जाती है। पार्कर मौके का फायदा उठाकर उसे कुछ भी ना बताते हुए उसके अपार्टमेंट से निकल रहा था। जेमी ने उसे पकड़ लिया तो वो बहाने बनाता है। जेमी बहुत ही हर्ट होती है, जेमी को बहुत बुरा लगा तो पार्कर कहता है, जो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपने लाइफ में चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो उसे इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे सकता। इसी बात पर उनका ब्रेकअप हो गया। ये सब बात जब जेमी डीलन को बताती है, डीलन कहता है उसे भूल जाओ, वो बहुत ही घटिया आदमी था। जेमी को चीयर अप करने के लिए उसे जो पेंटिंग अच्छी लगती थी वो डीलन ने बाय कर ली थी। जेमी को ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी। जब वो घर पर आई तो अचानक से उसकी मदर चली गई थी। हॉलीडे था तो उसकी मदर और जेमी एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। जेमी को बहुत ही बुरा लगता है। डीलन को जब ये बात पता चली तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो, वैसे भी तुम घर पे बहुत ही ज्यादा बोर हो जाओगी। उसने डायरेक्टली टिकट बुक कर लिया और उसे वो घर पे ले आता है। डीलन के घर पे उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है। ये सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए। डीलन के फादर और उसकी सिस्टर एनी को जेमी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डीलन के फादर को अल्जाइमर था, इस वजह से सारी चीजें वो भूल जाते थे। वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग चीजें करते थे। वो अब जो भी चीजें करते हैं, कभी कभी अपना पैंट पहनना भूल जाते हैं। ये सब चीजें डीलन को जरा अनकंफर्टेबल लगती है, वो इससे एम्बैरेस्ड हो जाता है। स्लोली स्लोली जेमी और एनी ये दोनों बॉन्ड करने लग गए थे। रात में जेमी के रूम में डीलन आ गया, उसके साथ ही रात बिताना चाहता था तो जेमी उसे मना कर देती है। वो दोनों वहीं पर हैंग आउट करने लग गए। वो दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो डीलन ने कहा, तुम मेरे लाइफ में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जेमी कहते हैं कि तुम भी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। ये बात करते करते एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। रात में जब डीलन जेमी के रूम से निकल कर अपने रूम में गया तब एनी ने ये बात नोटिस की थी। अगली रात डिनर करते वक्त डीलन के फादर को अपनी वाइफ की याद आ गई और उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था, तो इस बात से उसके फादर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए। डीलन को ये चीज बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट डे जब डीलन जेमी को सिटे दिखाने के लिए बाहर लेकर गया तो वो हॉलीवुड साइन पर बैठ जाते हैं। डीलन डर रहा था पर वो जबरदस्ती उसे लेके गई। जेमी कहती है कि तुम्हें अपने फादर को लेके एम्बैरेस नहीं होना चाहिए, लोग उन्हें क्या समझते हैं, ये चीज इतनी मैटर नहीं करती, वो तुम्हारे फादर है और तुम्हें उसी नजरों से उनको देखना चाहिए। डीलन को ये भी बात सही लगी। जिस साइन पे वो थे यहाँ बैठना अलाउड नहीं था, तो पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। बेचारा डीलन हाइट से डरता था तो उस वजह से भाग भी नहीं पाया। इनका वीकेंड ऐसे ही बहुत अच्छे से जा रहा था। तब एक दिन एनी डीलन से पूछती है, कहती है, तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, मैंने नोटिस किया तुम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो। डीलन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा डैमेज है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये सारी बात जेमी ने सुन ली थी, उसे बहुत ही अपसेट लगा। रात में उसने फ्लाइट कर ली थी और वैसे ही गुस्से में वहां से चली जाती है। डीलन भी न्यूयॉर्क आया, अपना काम कंटिन्यू करता है पर उसकी जेमी से कुछ भी बात नहीं होती, वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, कुछ भी कॉल्स नहीं उठाती। एक दिन जेमी को एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई, वो डीलन को किसी भी हाल में हायर करना चाहते थे। जेमी फिर भी डीलन को कॉन्टेक्ट नहीं करती। डीलन को पता था कि जेमी हमेशा एक टाइम पे कहां जाती है, बिल्डिंग के रूफ टॉप पर, तो उसी टाइम पर वो भी उसके पास पहुंच गया। उसे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जेमी ने कहा कि मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूं, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। डीलन कहता है, वो सारी चीजें मैं सिर्फ मेरी सिस्टर
सिस्टर से कह रहा था, उसका कुछ भी ज्यादा मीनिंग नहीं है। जेमी कहती है कि तुमने मुझे कभी भी ज्यादा सीरियस लिया ही नहीं। उसे एक्चुअल में डीलन के लिए फीलिंग्स आ गई थी। ये बात डीलन रियलाइज नहीं कर पाता। उसे इस तरह से खोने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। जेमी को अच्छे लगने वाली रोमांटिक मूवीज जो उसे अच्छी नहीं लगती थी, ये भी उसे मिस करते हुए देख रहा था। जिस कंपनी ने पहले जेमी को कॉन्टेक्ट किया था, वही डायरेक्टली डीलन को कॉन्टेक्ट कर लेती है। डीलन जाके उसके साथ मीटिंग करता है, तो जेमी को ये बात पता चलने के बाद उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसके पास पहुंच गई। उसे कहती है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। डीलन कहता है, मैंने सिर्फ एक ही मीटिंग की थी, पर अगर सचमुच मैं ये जॉब छोड़ के जा रहा रहूंगा तो मैं तुम्हारा बोनस का चेक लिख कर जाऊंगा। फिर से ये दोनों का झगड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि एनी को जरा बाहर जाना था, तो कुछ दिनों के लिए डीलन के फादर उसके पास आकर रहने वाले थे। जेमी की मदर भी अब वापस आ गई थी। एक दिन जब ये हैंग आउट कर रहे थे तो सारी सिचुएशन देखकर कहती है, तुम सिर्फ डरती हो, मेरी मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। तुम जो ये सब बात करती हो कि तुम्हें प्रिंस चार्मिंग चाहिए, मूवी जैसा एक हीरो चाहिए, पर एक्चुअल में तुम ये सब चीजें नहीं चाहती। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर सके। मदर को भी लगता था कि डीलन उसके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में डीलन के फादर उसके पास पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पे लंच करते हैं, तब उसके फादर ने पैंट निकाल कर बाजू में रख दी। इस बात से पहले वो एम्बैरस्ड हो जाता था, पर जेमी ने उसे जैसा कहा था कि अपने फादर से तुम्हें एम्बैरस्ड नहीं होना चाहिए, तो डीलन ने वैसा ही किया। उसने भी अपनी पैंट निकाल दी और अपने फादर के साथ लंच करता है। लोग क्या कहेंगे इसका उसे फर्क नहीं पड़ता। लंच करते वक्त उसके फादर किसी लड़की का नाम लेने लग गए। डीलन कहता है कि वो लड़की कौन थी। फादर ने कहा कि जब मैं यंग था तब वो मुझे मिली थी, वो मेरी लाइफ का प्यार थी, मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाया, शायद उसी वजह से तुम्हारी मदर ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। फादर पहले ये सब बात नहीं कर सकते थे, पर वो कहते हैं लाइफ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, तुम्हें इस तरह से उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर डीलन ने रियलाइज किया कि वो कितना जेमी से प्यार करता है। वो डायरेक्टली जेमी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जेमी आज रात उसकी मदर के साथ कहीं जाने वाली थी, पर उसकी मदर वहाँ पहुँचती ही नहीं। डीलन ने जेमी की मदर के साथ बात की थी और वो वहाँ पहुँच जाता है। अचानक से जेमी के आसपास के लोग सभी डांस करने लग गए। उसने डीलन को नोटिस किया कि जेमी उसको जिस तरीके की मूवी अच्छी लगती है वैसे ही किया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, मुझे मेरा फ्रेंड वापस चाहिए, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जेमी कहती है कि मुझे सब लोगों के सामने किस करो, और डीलन ने भी यही किया। इसी के साथ इनकी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टार्ट हुई और मूवी यही खत्म हुई। ऐसी और धन्यवाद।